प्राणायाम इज द रियल फेस योगा, आर्टिफिशियल मेकअप प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होने से ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी नेचुरल ब्यूटी को बाहर निकालें, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाकर, जो हम प्राणायाम के जरिए कर सकते हैं। तो चलिए, आज की प्रैक्टिस, आज का जो रूटीन है वो बहुत ही इजी टू फॉलो होने वाला है, जो आप एवरी मॉर्निंग कर सकते हैं अपनी प्राण शक्ति एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए, जिससे जो निखार है वो बाहर भी दिखेगा और अंदर भी महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ब्यूटीफुल सी और सिंपल सी प्रैक्टिस। तो अपने मैट के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएं, अपने कंधों को नीचे कर दें और सीटेड पोजीशन आ जाएं, या फिर आप वज्रासन ले सकते हैं, या फिर आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, बट सबसे इजी आसन होता है सुखासन। सबसे पहले हम टैपिंग से शुरू करने वाले हैं, सो 30 सेकेंड्स के लिए टैपिंग शुरू करेंगे। अपने दोनों हथेलियों को ऐसे खोल लें और जस्ट अपने पूरे चेहरे पर टैप करना शुरू करें। अपनी आंखों के नीचे, अपनी आंखों के साइड में, नाक के साइड में, अपने गालों पर, मेक श्योर आपके हाथ बिल्कुल साफ हैं, तो धो लेना इफ आपने धोए नहीं है हाथ। तो अपने नाक के बिल्कुल नीचे, अपने चिन के बिल्कुल ऊपर, अपनी जॉ लाइन पर, अपने नेक को भी बिल्कुल अच्छे से टैप करना है, अपने माथे पर, अपने सर पे भी टैप कर दें। अपनी आंखों को बंद करके बस महसूस करें किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन आपको महसूस हो रहा है पूरे मुंह पर। अपने कानों के बिल्कुल साइड में भी टैप करें, अपनी गर्दन के पीछे आ जाएं एंड देन रिलैक्स हो जाएं। नाउ ये सेकंड क्रिया करते हैं जिसमें हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल हम मुंह खोल कर करने वाले हैं। ऑल राइट, 10 टाइम्स के लिए करेंगे। सो इनहेल, एक्सहेल, जितनी लंबी सांस भर सकते हैं उतनी भरें। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इनहेल, इनहेल। महसूस करें कैसे इम्प्योरिटीज बाहर निकल रही हैं। लास्ट 5 मोर, इनहेल, इनहेल, और ज्यादा तेजी से बाहर, इनहेल, लास्ट 3, लास्ट 2 एंड द लास्ट 1। बस आंखें बिल्कुल बंद एंड बस थोड़ा सा महसूस करें अपने लंग्स में, जो प्योरिफिकेशन आपने अभी करी है उसे महसूस करें, अपने चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो को महसूस करें, सारे बुरे थॉट्स जो बाहर निकल गए हैं उन्हें महसूस करें। नाउ द थर्ड वन इज द कपालभाति क्रिया। कपालभाति की फुल ट्यूटोरियल के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें, मैं यहाँ पे एक वीडियो लिंक कर दूंगी, उसमें फुल कंप्लीट ट्यूटोरियल है, तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि कपालभाति कैसे करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स एंड एक्सेट्रा होते हैं, लिमिटेशंस भी। एंड अभी के लिए हम अपने हाथों को अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद और अपने हाथों को ऐसे अपने चेस्ट के साइड में रखेंगे, एल्बोज बाहर नहीं, एल्बोज बिल्कुल चेस्ट के साइड। आप इनहेल करेंगे नाक के थ्रू, एक्सहेल भी नाक के थ्रू, एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर की तरफ मारना है, इनहेल करते हुए हाथों को ऐसे ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए हाथों को ऐसे नीचे। हम मिनिमम 15 से 20 स्ट्रोक्स करने वाले हैं, तो चलें शुरू करते हैं। हम इनहेल लेंगे नाक के थ्रू, अपने पेट को बाहर निकालने का ट्राई करना,
एक्सहेल लेते हुए नाक के थ्रू ही आप पेट को अंदर की तरफ मारें। अपने हाथों को ऊपर नीचे ऐसे मूव करना है। तो चलिए 15 to 20 स्ट्रोक्स मिनिमम के लिए कपालभाति क्रिया शुरू करते हैं। लास्ट 8 मोर। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे रखते हल्कापन महसूस करें। अपने चेहरे पर वापस एक नेचुरल ग्लो को महसूस करें। सारी इम्प्योरिटीज बाहर निकल गई हैं। छोटी सी मुस्कान चेहरे पर। यहीं से रिलैक्स। नाउ द फोर्थ वन इज द कपाल भाति क्रिया। इसमें हम अपने मुंह के अंदर एयर को भर लेते हैं, हवा को भर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को आपको ऐसे अंगूठी, दोनों अंगूठों को अपने नाक की तरफ लगाना है। तो सबसे पहले मुंह से सांस भरेंगे, अपने गालों को फुला लेंगे, फिर नाक को बंद कर लेंगे अपने दोनों अंगूठों को लगाकर, और अपनी सारी उंगलियों को चिपका लेंगे। फिर अपनी गर्दन को नीचे रखकर हम होल्ड करेंगे इस क्रिया को अराउंड 15 सेकंड के लिए। हम 3 बार करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने मुंह से सांस भरा, नाक के थ्रू सांस को छोड़ दे। मुंह से नहीं छोड़ना, नाक से छोड़ दे। हल्के से अपने हाथों को नीचे ले आए। सेकेंड राउंड वापस से। नाक के थ्रू छोड़ दें और मुंह के थ्रू नहीं छोड़ना है। मुंह को हल्के से आप अंदर ही अपने सांस को एक्सहेल करके अपनी नाक से बाहर एक्सहेल करें। थर्ड राउंड वापस से इनहेल। आंखों को बंद करके बस थोड़ी सी देर महसूस करें हल्कापन। छोटी सी मुस्कान, छोटी सी मुस्कान चेहरे पर। एंड रिलैक्स। अब यहीं से हमारी फिफ्थ क्रिया है अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है। आप इस प्राणायाम को अराउंड 2 से 3 मिनट मिनिमम से लेके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कितना भी कर सकते हैं। इमेंस बेनिफिट्स मिलते हैं अनुलोम विलोम से। तो आज हम ट्राई करेंगे 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करना। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को नीचे रखें। अपने राइट हैंड से आप ये नसाग्रिका मुद्रा बना लें। आपकी दो उंगलियां पीछे की खड़ी हुई हैं और आपकी जो फर्स्ट टू फिंगर्स हैं वो डाउन है, अंगूठा भी ऊपर की ओर है। अपने अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लें, आंखें बिल्कुल बंद। अब हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, देन हम इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, जितना लंबा ले सकते हैं उतना दे। अपनी चेस्ट को बाहर निकालें।
देन अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और राइट नॉस्ट्रिल से बाहर की ओर सांस को छोड़ दें। देन इनहेल ले राइट से, एक्सहेल ले लेफ्ट से। कंटिन्यू करें 2 मिनट के लिए। अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल आउट कर रिलैक्स हो जाएं। अनुलोम विलोम के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो लिमिटेशंस, बेनिफिट्स और स्टेप बाय स्टेप आपको उसको एडवांस लेवल तक कैसे लेकर जा सकते हैं, तो मेक श्योर दैट आप वो वीडियो देखें। नाउ द लास्ट एंड द सिक्स्थ प्रैक्टिस इज डीप ब्रीदिंग। हम अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के ऊपर रखेंगे, हम इनहेल लेंगे और उसे डबल एक्सलेशन देंगे, तो जितना आप सांस भर रहे हैं उससे ज्यादा छोड़ना है। 10 टाइम्स करने वाले हैं, तो आपने इनहेल किया, एक्सहेल करें ज्यादा देर के लिए। इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट को बाहर की ओर निकालें, एक्सहेल रिलैक्स, थर्ड राउंड। हर एक सांस को भरते हुए महसूस करें कि आपकी बॉडी अंदर से साफ हो रही है। लास्ट 5 मोर। लास्ट 2 मोर। लास्ट 1। एंड रिलैक्स।
बस 1 मिनट के लिए साइलेंट मेडिटेशन करेंगे। छोटी सी मुस्कान चेहरे पर, बस ग्रेटफुल महसूस करना है। आज के दिन के लिए धीमे से आंखों को खोलने। हरिओम एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा।